हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ योर मैथ्स पीरियड। आज हम आपको एक बार फिर से चैप्टर वन का रिवीजन कराने जा रहे हैं। तो सभी बच्चे अपनी अपनी बुक ओपन कीजिए और इसमें आप ओपन कीजिए सम इटअप। ठीक है, जिन बच्चों को यहाँ पर चैप्टर वन में आप लोगों को सबसे पहले ये याद करने होंगे नंबर्स नेम, तो सभी बच्चे नंबर्स नेम याद करेंगे 1 to 100। ओके, आपकी बुक में दिए गए 1 to 100 नंबर्स ने लर्न करना है। इसके बाद जो है इसमें आपको देखना है कि दिए गए क्वेश्चन में टेक द बिगर एंड क्रॉस आउट स्मॉलर। तो यहाँ पर आपको करना क्या है बच्चों कि जो बिगर हैं उन्हें क्रॉस कर दी टिक कर दीजिए और जो स्मॉलर नंबर है उन्हें क्रॉस करना है। बिगर को टिक कीजिए और स्मॉलर को क्रॉस। ठीक है, जैसे यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए किया जा चुका है, 9 इज स्मॉलर देन 18, तो 9 को क्रॉस कीजिए और 18 को टिक। 1 इज स्मॉलर देन 3, इसलिए 1 को क्रॉस कीजिए और 3 को टिक। 6 इज स्मॉलर देन 10, इसलिए 6 को क्रॉस कीजिए, 10 को टिक। इसी प्रकार से आप लोग ये इस तरह जान समझ पाएंगे कि कौन सा नंबर ग्रेटर है और कौन सा नंबर स्मॉलर है। ठीक है बच्चों, अभी आप लोगों को कोई बात समझ में आ गई कि किस प्रकार से यहाँ पर 3 कॉलम दिए हैं और 3 कॉलम में आपको इसी प्रकार से बतानी है। जैसे 8 सेकेंड में देखिए, से 5 इज स्मॉलर देन 7, तो आप क्या करेंगे, 5 को क्रॉस कीजिए, 7 को टिक। 4 इज स्मॉलर देन 5, सो 4 को क्रॉस एंड 5 को टिक करेंगे। अब हम देखते हैं यहाँ पर मैचिंग दी जाएगी जिसमें वन साइड नंबर्स दिए गए और सेकेंड साइड उनके नंबर्स नेम है। तो सभी बच्चों को हमने कहा है 1 to 100 नंबर्स नेम लर्न होने चाहिए बच्चा ये। ठीक है, तो इसको क्या करना है आप लोगों को, सबसे पहले जैसे यहाँ 15, तो 15 की स्पेलिंग सभी बच्चों को लर्न है, FIFTEEN 15 मैच कीजिए। 66 बच्चों SIXTYX SIX। ठीक है, 66। 82 कहाँ है बच्चों, EIGHTY 82 82 मैच कीजिए। 71 को मैच करने के लिए आप देखिए कहीं स्पेलिंग लिखिए SEVENTY 71 कहीं ये स्पेलिंग लिखिए, मैच कीजिए। 90 90 जहाँ कहीं ये मैच कर दीजिए, तो ये है मैचिंग। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर ई जिसमें आपको बताना है व्हाट कम्स नेक्स्ट। बच्चों ये दिए गए नंबर्स को आप लोग पढ़ लीजिए और पढ़ने के बाद जो भी नंबर आते हैं इनके बाद आप उनको लिखेंगे, जैसे 64 65 66 67, नेक्स्ट नंबर इज 68, 22 23 24 25, नेक्स्ट नंबर इज 26, 99 100 101 102 103, 41 42 43 44 45। इसी प्रकार से ये आपको काउंटिंग दी गई है पूरी। ठीक है, तो अब आप लोगों को ये देखना है कि नेक्स्ट नंबर क्या आता है, पढ़िए और पढ़ करके लिखिए। ओके, तो बच्चों ये है आपका चैप्टर फर्स्ट का रिवीजन वर्क, जिसे आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कीजिए और हमारे पास सेंड कीजिए। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।